डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो जैसे देखिए कोई एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है 2, 4, 6 और ये कोई सेट बी है 4, 6, 8। ठीक है, और ये रिलेशन बन के आता है किसी के द्वारा, मतलब कोई ऑपरेशन लगाया गया है, ये रिलेशन बन के आता है 2, 4, 2, 6, 6, 6, 4, 8। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द डायग्राम या ग्राफ, डायग्राफ रिप्रेजेंट इन डी ग्राफ, डायग्राम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों जल्दी से, इसको डी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन ऐसे लेके आएगा, नोट करिए बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नोट किया सारे बच्चों ने, तो चलिए देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डी ग्राफ में। एक क्वेश्चन से एक्सरसाइज कराना। तो सबसे पहले जो ये रिलेशन है 2, 4 लिखा हुआ है, 2, 4। ओके, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, और फिर 2 का रिलेशन 6 से है, और 2 का रिलेशन फिर 8 से है, यानी 2, 2 कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे सुन रहे हैं, 2 का रिलेशन किससे दिख रहा है, 4 से दिख रहा है, 2 का रिलेशन 4 से दिख रहा है, 2 का रिलेशन 6 से दिख रहा है, 2 का रिलेशन 8 से दिख रहा है, 2, 2 कई बार आया है, फिर 4 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 8 से है, और 6 का 6 से स्वयं में रिलेशन। हाँ, तो चलिए देखिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये हम एरो बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिएगा बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 है, क्या है 2 है, 2 कहाँ पर गया है 4 पे गया है, 2 का रिलेशन किससे है 4 से, और फिर 2 का रिलेशन किससे है 6 से, तो 6 कहीं यहाँ होगा, और फिर 2 का रिलेशन किससे है 8 से, अब ध्यान दीजिएगा ग्राफ में ड्रा करते समय ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, तो 4 देखो ये थोड़ा बड़ा लेंथ है, 6 उससे भी थोड़ा बड़ा है, माने नहीं रखता है, लेकिन D सबसे बड़ा है इसलिए इसको डायगोनल में डाल दिया गया है, 8 जो है इसमें डाल दिया गया है, डायगोनल में डाल दिया गया है। फोर का भी रिलेशन 8 से है, 4 का भी रिलेशन किससे है 8 से है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसको 4 को यहाँ से रिलेट कर देंगे, हाँ तो ये रिलेशन किससे हो जाएगा 8 से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 का रिलेशन 4 से दिखा दिया हमने, 2 का रिलेशन 6 से दिखा दिया, और फिर 4 का रिलेशन हमने किससे दिखाया है, 8 से दिखाया है। तो एरो चलेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, एरो चलाते हैं। 2 का रिलेशन 4 से दिखाया, 2 का रिलेशन 6 से दिखाया, 2 का रिलेशन 8 से दिखाया, 4 का रिलेशन 8 से। अब एक और बच रहा है, 6 का रिलेशन किससे है, 6 से है, और 4 का रिलेशन 4 से है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 का रिलेशन 6 से कैसे दिखाना है, खुद का खुद में रिलेशन। इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऐसे सर्कल खींच देंगे, ऐसे कर, ऐसे सर्कल खींच देंगे और खुद का खुद में रिलेशन दिखा देंगे, एरो बना देंगे ऐसे, ऐसे 4 का सर्कल ऐसे खींच देंगे ऐसे करके, और खुद का खुद से रिलेशन दिखा देंगे। ये हमारा गया है एरो, इधर जाके मिला है। नोट करिएगा बच्चों, ग्राफ ये कंप्लीट होता है ग्राफ। हाँ नोट कर लीजिए, इस तरीके से उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ड्रा दी, क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा, डायरेक्टेड ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन। तो रिलेशन ऐसा है, 1, 1, 2, 2, ये रिलेशन दिया जाएगा, रिलेशन को भी ग्राफ में ड्रा करना होगा, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यक्स ऐसे लिख दिया है, यक्स दिया है ऑन किस पे, ऑन एक्स 1, 2, 3। इस क्वेश्चन में ऑन नहीं लिखा हुआ था, इससे पहले वाले में, ध्यान दीजिएगा, ऑन नहीं लिखा हुआ था, इसमें जो ऑन था 2, 4, 8, 6, ये ऑन था, इसमें ऑन नहीं लिखा हुआ था, ऐसे इस रिलेशन को देख के ड्रा कर देना था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑन लिख दिया है, तो यानी 1, 2, 3 पे हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए देखिए कैसे ड्रा करते हैं, वन टू थ्री, तो चलिए मिलाना चालू करते हैं। 1 का रिलेशन किससे है, खुद से है, इससे सर्कल बन जाएगा, इसमें है तो सर्कल, तो 1 का रिलेशन 1 से है, सर्कल रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से बना दिया। फिर 1 का रिलेशन 2 से हो गया, फिर 3 का रिलेशन 1 से, ये एरो भी बनाते रहेंगे, 1 का रिलेशन 2 से कर दिया और खुद का खुद से रिलेशन कर दिया।
अब फिर देखिए वन का रिलेशन थ्री से है कि नहीं है, थ्री का रिलेशन वन से है, क्यों? ठीक है, तो थ्री का रिलेशन वन से ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थ्री का रिलेशन वन से दिखा दिया हमने, एरो भी लगा देंगे, देखिए थ्री का रिलेशन वन से दिखा दिया। अब फिर इसके बाद में टू का रिलेशन थ्री से है, टू का रिलेशन थ्री से, तो टू का रिलेशन थ्री से कर दिया। देखिए बच्चों टू का रिलेशन थ्री से कर दिया, टू का रिलेशन थ्री से, तो कर्व बन जाएगा क्योंकि थ्री का रिलेशन टू से भी है, इसमें कर्व टाइप का है। बन सकता है। टू का रिलेशन थ्री से दिखाना है। चलिए देखिए इसका लाइन से ही काम चलाते हैं। टू का रिलेशन थ्री से कर दिए, और फिर थ्री का रिलेशन टू से, थ्री का रिलेशन टू से, इसको हमने ऐसे करके दिखा, ठीक है, टू का रिलेशन थ्री से, थ्री का रिलेशन टू से। अब आओ कौन सा रिलेशन बचा, थ्री का थ्री से बचा, तो थ्री का थ्री से सर्कल खींच देंगे, यू करके थ्री का थ्री से हो गया, ये एरो बना देंगे थ्री का थ्री से ऐसे करके, और फिर क्या बचा है देखिए इसमें, खुद का खुद से वन में हो गया, और टू का टू से है, देखिए टू का टू से है तो उसमें सर्कल खींच देंगे, हाँ इस तरीके से बच्चों सारे रिलेशन कंप्लीट होते हैं, और सब में एरो लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए वन का रिलेशन वन से, टू का रिलेशन टू से, थ्री का रिलेशन थ्री से, टू का रिलेशन थ्री से, थ्री का रिलेशन टू से, थ्री का रिलेशन वन से, वन का रिलेशन टू से, तो ये बच्चों जाके कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है ये ड्रा करना, ठीक है, पहले जब पेपर क्वेश्चन पेपर होते थे इसमें लिखना रहता था तो एक ड्रा करने के लिए आता था, अब अगर इस बार ऑब्जेक्टिव होगा तो उसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन तो बच्चों एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है।